Hello everyone, welcome to IAS Help Desk. I am AJ Khan and today's economic key concept class we are going to understand types of inflation. Creeping inflation उस inflation को कहते हैं जो बहुत ही slow होता है, number one. Number two, वो steady होता है, steady increase होता है, यानी कि धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार वो increase होता रहता है. सालाना 2-3% inflation rate बढ़ता रहता है. इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल कहा जाता है. इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गया, वहाँ पे ग्रेजुअल प्राइस इंक्रीज होती है धीरे धीरे, और इसके कारण क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को बढ़ावा मिलता है. सेकेंड है वॉकिंग इन्फ्लेशन. वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसमें एनुअल जो प्राइस राइज है यानी गुड्स और सर्विसेज के जो इंक्रीज होने के जो रेट है वो है 3-4%, 3-4% वो बढ़ते हैं इसमें. और इसको कहा जाता है मॉडरेट इन्फ्लेशन, ना हाई ना लो, मॉडरेट होता है. और वॉकिंग इन्फ्लेशन को ये माना जाता है कि ये मैनेजेबल होता है और इसके वजह से जो मॉनेटरी सिस्टम है उसमें कॉन्फिडेंस आती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी साथ में बढ़ने लगता है. इसके वजह से कॉन्फिडेंस आता है इकोनॉमी में, कॉन्फिडेंस आता है मॉनेटरी सिस्टम में. नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन. गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि रैपिड एस्केलेशन ऑफ प्राइस होता है, यानी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ना चालू होता है और ये हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाता है ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन. गैलोपिंग इन्फ्लेशन एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन होता है जहां पे जो प्राइस राइज है वो 50% से ज्यादा राइज करती है और ये 2 गुना या 3 गुना प्राइस को बढ़ा देती है. इंडिया ने गैलोपिंग इन्फ्लेशन फेस किया था 1970s में जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, उसके वजह से डोमेस्टिक जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस थे बहुत तेजी में इंडिया में बढ़ गया था. हाइपर इन्फ्लेशन एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन होता है जहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो 50% से ज़्यादा राइज करते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होता है हाइपर इन्फ्लेशन. यहाँ पे जो मनी है वो अपना वैल्यू खो देती है क्योंकि गुड्स के प्राइसेस इतने हाई होते हैं कि उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है. 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे रिसेंट टाइम में, रिसेंट हिस्ट्री में हाइपर इन्फ्लेशन को देखा गया है, वो है जिम्बाब्वे और वेनेजुएला. इन दोनों के रीजन्स अलग अलग थे हाइपर इन्फ्लेशन के और इनके इफेक्ट भी अलग अलग थे. जिम्बाब्वे में 2000s के टाइम में हाइपर इन्फ्लेशन को देखा गया. उसके रीजन्स थे कि जिम्बाब्वे ने चाहा कि नोट छाप कर यानी नोट को प्रिंट कर वो गरीबी दूर करना चाहते थे, जबकि नोट छापकर गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है. इसके कारण उनके जो पैसे की वैल्यू है वो खत्म हो गई और रीजन ये हुआ कि कंट्री में शॉर्टेज होने लगा, पैसे अपना वैल्यू खत्म कर दी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिक्लाइन होने लगा और उस हद तक पहुंच गया कि जिम्बाब्वे के जो डॉलर थी उसको तर्क करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा लोगों को और लोग US डॉलर या साउथ अफ्रीकन जो करेंसी है उसको अडॉप्ट करने लगे उस दौरान. दूसरा है वेनेजुएला. वेनेजुएला में हाई ऑयल एक्सपोर्ट डिपेंडेंस पे के वजह से वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हुआ और उसके कारण करेंसी अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी और साथ में लोग दूसरे करेंसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए. वेनेजुएला में ओवर रिलायंस ऑन पेट्रोल के अलावा और भी कई रीजंस थे, जैसे कि करप्शन हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, एक्सटर्नल सैंक्शन हो गया, तो इसके वजह से हाइपर इन्फ्लेशन वहाँ पे आया था लेट 2010 में. तो हम देखते हैं कि जो हाइपर इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन होता है बहुत ही डेंजर सिचुएशन होता है. इतना डेंजर होता है कि एक कार्टन मिल्क खरीदने के लिए मिलियंस इवन बिलियंस ऑफ डॉलर लगे, जिम्बाब्वे डॉलर लगे. जिम्बाब्वे का जब हाइपर इन्फ्लेशन आया था, ब्रेड या मिल्क खरीदने के लिए सोचिए
कि मिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ रहे हैं। ये बहुत डेंजर सिचुएशन होता है जहां पे मनी अपनी वैल्यू प्रैक्टिकली खत्म कर देती है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक यूनिक सिचुएशन है इन्फ्लेशन में, जहां पे दोनों चीजें होती हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दूसरा हाई इन्फ्लेशन होती है। जनरली ये होती है कि अगर इन्फ्लेशन है हाई तो एम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है, अगर इन्फ्लेशन कम है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है। लेकिन हाई इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम देखा जाता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको ट्रेडिशनल जो मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम बेसी करना, लिक्विडिटी को बढ़ाना, वो एक्सरसाइज करने में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। एक पॉलिसी मेकर्स होते हैं स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में, उनके लिए चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। इन्फ्लेशन टर्मिनोलॉजीज, इसमें हम देखते हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी, जैसे इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी हमने देखा है, इसमें प्राइस लगातार इंक्रीज करती है, लेकिन डिस इन्फ्लेशन में प्राइस वो लो होती है। फॉर एग्जाम्पल 7% पहले था, अब वो 5% हो गया, यानी 7% से 5% जो गया वो कहलाया डिस इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन है वो बहुत लो रेट होता है इन्फ्लेशन का, और इस कंडीशन में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन वो सिचुएशन होता है जब सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है इकॉनमी का, इकॉनमी बहुत स्लो रहती है, टार्डी होती है, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकदम नहीं होते, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है। उस सिचुएशन के बाद जब इकॉनमी बूस्ट करती है, इकॉनमी जंप करती है, तो वो सिचुएशन कहलाता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब एम्प्लॉयमेंट आने चालू हो जाते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। इस तरीके से हमने देखा कि इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और डिप्रेशन क्या होता है। नाउ लेट्स सी अदर टर्म्स, बेस इफेक्ट एंड जीडीपी डिफ्लेटर। बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट में हम इन्फ्लेशन को कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के प्राइस को इस ईयर के प्राइस से, यानी लास्ट ईयर के प्राइस को इस ईयर के प्राइस से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें बेस इफेक्ट मिलता है। बेस इफेक्ट ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन हाई रहा है या लो रहा है या ये सेम रहा है उस पीरियड ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल तौर पे बेस इफेक्ट को हम समझेंगे कि पेट्रोल का जो कीमत है 2024 में वो है 110 रुपये, यही पेट्रोल की कीमत 2023 में 90 रुपीज थी, यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन दिखाता है कि 90 रुपये से 110 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, तो 20 रुपये बेस इफेक्ट है, यानी 20 रुपये प्राइस इंक्रीज हुआ है। लेकिन असल में लास्ट ईयर जो प्राइस था पेट्रोल का वो 90 की जगह अगर 70 होता, यानी 90 तो बाद में बढ़ा, उससे पहले 70 होगा, अगर 70 से हम अगर काउंट करते हैं तो 70 लास्ट ईयर का प्राइस पेट्रोल का माइनस 110, यानी इस ईयर का 2024 का प्राइस 110 माइनस 70 इज इक्वल टू 40 निकलेगा, बेस इफेक्टेड एडजस्टेड इंक्रीज निकलेगा, ये दिखाएगा कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ा है। बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करता है कि प्राइस किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है असल में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से चेंज हो रहा है या बेस इफेक्ट की वजह से चेंज हो रहा है, ये हेल्प करती है इन्फॉर्म इकोनॉमिक डिसीजन लेने में कि किस तरीके से इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाए। बेस इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। सेकेंड है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है वो इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट शामिल होते हैं। ये ब्रॉडर इंडिकेटर होते हैं जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन के या डिफ्लेशन के किसी भी इकोनॉमी में। जीडीपी डिफ्लेटर हमने डिटेल में कवर किया है अपने प्रीवियस क्लास में, नेशनल इनकम में, वीडियो का आप रिफर कर सकते हैं, उसमें और क्लैरिटी के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी
बाई रियल जीडीपी इंटू 100। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल शॉर्टली मीट विद आवर नेक्स्ट इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट टॉपिक। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और सेंड अस मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन।